खनिधरा जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित स्थानीय शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास में चल रहे 1 नवंबर से 7 नवंबर तक मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के समापन पर छात्रावास दिवस मनाते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जिला शिक्षा समिति और पिछोर छत्रशाल महाविद्यालय जनभागीदारी समिति अध्यक्ष अमित पडेरिया मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ महान पुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण किया गया। अगले कार्यक्रम में मध्य प्रदेश गान के उपरांत देशभक्ति के सुंदर गीतों पर आवासीय छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पटेरिया ने अध्ययनरत छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं को अनेक योजनाएं दी है। लाली लक्ष्मी योजना से लेकर ऐसी कई योजनाएं हैं जो हमारी अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग की बेटियों को खान पान से लेकर रहन सहन और उच्च शिक्षा तक में सहायक हो रही है। आज हमारी बेटियाँ उच्च शिक्षा तक आर्थिक तंगी के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रह पाएगी। बस हमारी बेटियों को बचाना है और पढ़ाना है। उन्होंने घोषणा की कि इस छात्रावास से इस सत्र में हायर सेकेंडरी स्कूल जो छात्र अच्छे अंक पाकर अच्छे स्थान पर आएगी उसे वे अपनी ओर से कंप्यूटर, लैपटॉप और स्कूटी प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे खनिधरा जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष संजू शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि जीवन में छात्रावास जीवन हमेशा याद रहता है। आज शासन में गरीब और अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं को शिक्षित करने और अच्छा जीवन जीने के लिए अनेक योजनाएं चलाए रही है। अब कोई छात्रा यह आरोप नहीं लगा सकती है कि उनकी शिक्षा में बाधा आ रही है या वो पढ़ नहीं सकती। खनिधरा से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस जो 1 नवंबर से 7 नवंबर तक चलेगा, यहाँ हमारे अधीक्षक महोदय ने बच्चियों को स्कूटी करवाई, कई व्यवस्थाएं देखी, अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ की तो बहुत कम देखने में मिलती हैं।